मचा हुआ, लड़के छड़के खड़े थे, ये पास्टर थे और इन्होंने किसी मियामी की सुना करवा दिया था, करवाने के लिए बुलवा दिया। हमने पहले उनको नहीं देखा था कभी के मतलब वो इधर आए हैं, पास्टर साहब को देखा था क्योंकि वो यहाँ पे रेंट पे रहते हैं। तो हमने जैसे ही मतलब आवाज़ सुनी हम बाहर आए हैं, तब तक वो आदमी ने अपने आप को भी ख़त्म कर दिया। बातचीत कर रहे थे पास्टर सर, उनको वो भी की पास्टर सर, पूरा नाम बताइएगा। पूरा नाम उनका पास्टर सर के नाम से जानते हैं, यहाँ पे वो 4-5 साल से रह रहे थे। पास्टर साहब, उनकी फैमिली समेत उनके ऊपर हमला किया गया? उनकी फैमिली बिल्कुल ठीक है, उनकी फैमिली इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद है। और आपको जो जो लोग मर्डर हुए हैं वो कौन है? उनको कोई नहीं जानता, वो बाहर से आए थे। बाहर से आए यहाँ? ये वजह अनाद क्या लगती है आपको, ये दुश्मनी है या कोई कोई और वाक्य? ये उनकी फैमिली बेहतर तरीके से जान सकती है क्योंकि उनकी फैमिली उस वक्त घर में मौजूद थी जिस वक्त ये हमला हुआ। उनकी मिसेज, उनके बच्चे, वो इस वाक्य के बारे में आपको बच्चे वो अभी तो इस पोजिशन में नहीं होंगे, कोई रिलेटिव उनका यहाँ मौजूद है अभी? अभी इस वक्त उनका रिलेटिव आई थिंक सर एक जनरल हॉस्पिटल में मौजूद है, जनरल हॉस्पिटल में मौजूद है। और अभी डेड बॉडीज किधर हैं? वो भी डेड बॉडीज भी हॉस्पिटल ले चुके हैं। डेड बॉडीज हॉस्पिटल लेके जा चुके हैं। मसीह खुदावंद में आपकी सलामती हो। आपका होस्ट हारून यूसुफ और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़नामा। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं सेंट जॉन चर्च के पास जो कि लियाकताबाद में है और दिलकशा गार्डन के बिल्कुल करीब है। और यहां पे एक घर के मैं सामने खड़ा हूं जो कि जहां पे एक पास्टर साहब जो है वो रहते थे, पास्टर अजहर साहब। और अभी नाज़रीन हमें ये पता चला है कि दोपहर के वक्त उनके भाई उनके पास आए थे किसी मामलात पर बात करने के लिए और उन दोनों भाइयों में आपस में तसादुम जो है वो हुआ और उसी तसादुम में जो उनका भाई है उसने अपने बीवी को, अपने बच्चों को जो है वो फायर करके उनको मार दिया और बाद में खुद भी जो है उन्होंने पास्टर साहब पर भी गोली चलाई, लेकिन पास्टर साहब उसमें बच गए। लेकिन बाद में जैसे ही पास्टर साहब बचे उन्होंने अपने आप को भी फायर किया और अपने आप को ख़त्म कर लिया। ये वो खबर है जो आपको हम पहुँचा रहे हैं जो कि अभी हतमी तौर पर जो बात हम तक पहुँची है वो हमने आपको पहुँचाई है। लेकिन अगर मज़ीद कोई ऐसी बात जो हमें पता चलती है और हम समझते हैं कि वो आप तक पहुंचनी चाहिए तो ज़रूर हम अपने नाज़रीन को वो तमाम हकायक से आगाह करेंगे ताकि आपको बेहतर तौर पर पता चल सके कि आखिर ये सारा मामला हुआ क्या था और क्यों इंसानी जानों का यहाँ पे ज़िया हुआ। तो नाज़रीन, इस बात के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि जैसे ही हमें कोई और मज़ीद बेहतर खबर मिलेगी वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। बहुत शुक्रिया।